शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। समस्त संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमा सागर जी महाराज की, परम पूज अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत सिद्ध से सम्मेय शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की, शाश्वत सिद्ध से सम्मेय शिखर के श्रम क्षेत्र में अवस्थित गुणायतन में स्थित परम पूज आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमा सागर जी निस्तर में विराजमान सभी भव्य जनों एवं पारस चैनल तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी अपने अपने घरों में बैठ करके अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधीर साहब को सम्यक दर्शकों, आज मैं पुनः आज सबको संबद्ध करने जा रहा हूँ उन श्री चरणों से जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम नहीं अपितु पूरा विश्व अपने जीवन को ऊर्जस्वित कर रहा है, उन्नत कर रहा है। ये श्री चरण जाने जाते हैं गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक समय के रूप में, जिन्हें लोग कहते हैं परम पूज्य प्रमा सागर जी महाराज। इनके श्रीमुख से हम अपनी शंकाओं के समाधान आज प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर प्राप्त करें, उसके पूर्व मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव का बड़ा हस्त हमें आशीष के रूप में लाभान्वित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। गुरुदेव इस आज के इस कार्यक्रम को आज मैं सीधे सीधे ऑनलाइन प्रसंग माध्यम प्रारंभ करना चाह रहा हूँ। प्रियंका जैन सागर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहती हैं कि महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। मेरी शंका गुरुदेव यह है कि आज की बेटियों की उच्च शिक्षा ही उनके विवाह में विलम्ब का कारण बन रही है, क्योंकि लड़का भी उतना ही शिक्षित ढूंढना पड़ता है जिससे विवाह में विलम्ब होता है, विलम्ब हो रहा है। महाराज श्री, तो क्या हम बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाना बंद कर दें या इसका कोई और अन्य उपाय है, कृपया समाधान कीजिए। उच्च शिक्षा बंद करना तो कतई उचित नहीं है, पर उच्च शिक्षा विवाह के विलम्ब का कारण बन रहा है तो विवाह के बाद भी उच्च शिक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ करी जा सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है, और ये व्यवस्थाएं घर परिवार में होनी चाहिए कि अगर बहू घर में आई है और पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने का अवसर देना चाहिए, और इससे दाम्पत्य में भी मधुरता आती है, संतान में भी अनुकूलता होती है। आजकल ज़्यादातर विलम्ब से विवाह होने के कारण आपस में सामंजस्य की भी बहुत कमी दिखती है और संतानोत्पत्ति में भी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो दोनों का बहुत अच्छा समाधान ये हो सकता है, क्यों ना हो वयस्क होते ही विवाह हो जाए और शेष पढ़ाई विवाह के बाद हो जाए, और ये सुविधा दोनों को दी जाए ताकि दोनों एक साथ पढ़कर अपना भावी जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। गुरुदेव, आपके अनन्य भक्त शिव शरण जी मिश्रा लखनऊ बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुवर, ज्ञान और भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान और भक्ति का वास्तविक स्वरूप आपने पूछा है, मैं आपसे इतना कहूंगा, एक छोटा सा बच्चा जो लालटेन की चिमनी की तरफ, अब आज के युग में तो लालटेन आउटडेट हो गया, मुझे दूसरा उदाहरण देना होगा, मान लो मोमबत्ती की तरफ लपक रहा हो, लोग उसे मना करते हैं लेकिन फिर भी वो बच्चा मानता नहीं, बार बार उसकी तरफ लपकता है, लेकिन एक बार छूने के बाद जब हाथ जल जाता है फिर उससे कोई कहे उसे छू, बोले ताता अब नहीं छूंगा। बस इसी का नाम ज्ञान है। पाप को पाप जानकर उससे विरक्त हो जाना ही सच्चा ज्ञान है। शब्द ज्ञान बहुत सहज है,
पर ब्रह्म ज्ञान वही है जो हमें स्वरूप में निमग्न करे, जो हमें एहसास कराए, वह ज्ञान है। और जहाँ तक भक्ति की बात है तो भक्ति एक प्रकार का अनुराग है जो हमें प्रभु के चरणों के या अपने आराध्य के चरणों की तरफ खींचता है, खींचती है और संसार से अलग करती है, जिससे प्रभु के प्रति अनुरक्ति बढ़े और संसार से विरक्ति बढ़े, उसी का नाम भक्ति है। ये ज्ञान और भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। और इसे प्राप्त करने के लिए क्या करना है? सत्संग करो और सतत अभ्यास करो, यही हमारी आत्मा को जगाने में निमित्त बनेंगे और इसके बदौलत हम ज्ञान और भक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। गुरुदेव जयपुर से रोहित जैन आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं, वे कहते हैं, गुरुदेव मंदिर में कुछ श्रावकों के आपसी मतभेद की वजह से बाकी लोगों का मंदिर नहीं जाना या कम हो जाना, मंदिर के विकास कार्यों से विमुखता, मंदिर में उदासीनता का बढ़ना, मंदिर की स्वाभाविक उपेक्षा हो जाती है, इसमें वो श्रावक भी शामिल हो जाते हैं जो शांति का वातावरण चाहते हैं, क्या इसकी वजह से पूरे समाज जिसमें शांति रखने वाले अशांति पैदा करने वाले दोनों को दोष लगता है? क्या इसके वजह से समाज के लोगों की शारीरिक आर्थिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, मंदिर तो शांति का स्थल है। अगर किसी की आपसी असहमति या असामंजस्य है तो ये हो सकता है, किसी के साथ किसी के तरह के भी संबंध हो सकते हैं। हमें चाहिए कि हम उनसे अप्रभावित रहें अथवा कम से कम प्रभावित हों। यदि दो व्यक्तियों की आपसी बातों के कारण हम मंदिर से दूर होते हैं तो हमारा इसका मतलब यही है कि हमारे लिए मंदिर गौण हो गया, वो व्यक्ति मुख हो गया। यदि हमारे लिए मंदिर मुख हो, भगवान मुख हो, तो हमें व्यक्तियों से क्या लेना देना, उनकी वो जाने, मुझे जो करना है वही करना है और ऐसी तत्परता अपने मन में बनाकर रखनी चाहिए। अब रहा सवाल कि हम ऐसे निमित्त बनने पर इसके जिम्मेदार कौन है, तो निश्चित जिनके निमित्त से मंदिर की प्रभावना कम होती है वे पाप के भागी होंगे, क्योंकि बहुतों का उससे धर्म ध्यान बाधित होता है। इसलिए हमें ऐसे कृत्यों के प्रति सतत जागरूक रहना चाहिए। गुरुदेव, चौराई जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अनिल गंगवाल आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्तु अर्पित कर जानना चाहते हैं कि गुरुदेव मैं हर रोज सुबह 5 बजे उठकर 8 किलोमीटर घूमता हूँ, प्राणायाम योग भावना सब कुछ करता हूँ, गौशाला जाकर के गौ सेवा भी करता हूँ, बस यदि कुछ बाकी रह जाता है, बाकी समय व्यवसाय करते हुए सहायता ग्रुप में शामिल भी होता हूँ, मन को बड़ा सुकून मिलता है, इन सबको तो मैं बड़ी खुशी से आनंद लेते हुए कर पाता हूँ, पर रह जाता है मेरा प्रतिदिन का अभिषेक सांधारा पूजन विधान, क्योंकि दोनों का समय एक ही है। महाराष्ट्री, मेरी धर्मपत्नी मुझे नास्तिक समझती है, जबकि देवशास्त्र गुरु पर मेरी अटूट श्रद्धा है, समय समय पर विशेष दिनों में अभिषेक पूजन करने भी जाता हूँ, आपका गुरुदेव मार्गदर्शन चाहिए, मैं आगे क्या करूँ? देखिए, जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और यदि अभिषेक पूजन भी करने लगोगे तो सुगंध में सोने में सुहागा होगा, इससे अच्छी बात क्या होगी। और ये कोई कठिन काम नहीं है, थोड़ी सी अपनी दिनचर्या को बदलने का प्रयास करें और 15 मिनट पहले निकल जाए, जो कार्य आप कर रहे हैं 15 मिनट को एडजस्ट कर ले तो ये कार्य ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को नास्तिक कहना कतई उचित नहीं है। धर्म ध्यान करने वाले सभी व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है। आप जो कुछ कर रहे हैं वह अधर्म नहीं है, धर्म ही है, लेकिन धर्म के साथ साथ यदि हम अपने मूलभूत कर्तव्यों को करें तो ये हमारे लिए सोने में सुगंध होगा। देखिए, आप लोग जब पेपर देते हैं तो दो तरह के पेपर्स में क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं, ऑप्शनल और कंपलसरी। तो कंपलसरी को पहले देखना चाहिए कि ऑप्शनल को? हाँ,
तो श्रावक की जो दिनचर्या है, जो छह आवश्यक है, उसमें देव पूजा है, ये कंपलसरी है, इसे हमें प्रमुखता से करना चाहिए। ऑप्शनल को भी आप अगर करें तो बुरा नहीं है, करें आप जो कुछ करें बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर इसके साथ ये करें तो और अच्छा हो। गुरुदेव, बूंदी राजस्थान से नीलू जैन नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि एक व्यक्ति जो हर क्षण अच्छे भावों से भरा रहना चाहता है, लेकिन जब भी वह कोई कहानी पढ़ता है, देखता है या कोई बात सुनता है, तो उसमें जो नकारात्मक रोल है उसकी तरफ आकर्षित होता है, और ना चाहते हुए भी वो भाव बार बार उसे याद आते हैं, और वह उन नकारात्मक रोल को अपने भावों से करता हुआ देखता है, उन्हें रोकने का प्रयास करता है, पर वह इतनी गहराई में उतर जाते हैं कि रोक ही नहीं पाते, जिससे उसका मन बहुत दुखी होता है, क्योंकि वह अपने आप को अच्छे भावों से नहीं भर पा रहा है। तो उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि ऐसे नकारात्मक रोल की तरफ वह आकर्षित ना हो, अपने जीवन को शुद्ध भावों के साथ। सबसे पहले ऐसे कहानियों और ऐसे दृश्यों को देखना बंद करना चाहिए जिससे हमारे अंदर विपरीत प्रभाव होता हो। अगर आप वो देखेंगे तो इस तरह का प्रभाव होगा, और इनसे अपने आप को बचा कर रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप इनसे बचें और दूसरे रास्ते पर चलें। गुरुदेव, प्रमोद कुमार जी पापड़ीवाल, महावीर नगर, दुर्गापुर, जयपुर, नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि यदि हम किसी को कोई काम जल्दी करके दे देते हैं तो सामने वाला उसकी कदर नहीं करता। प्रश्न यह है कि स्मार्ट ढीले वर्ग कैसे किए जाए। स्मार्ट डिले देखिए, ये जो बात कही जाती है कि यदि हम कोई काम जल्दी कर दें तो लोग उसकी कद्र नहीं करते। आपने एक बहुत अच्छा वर्ड चूज किया है, स्मार्ट डिले, है ना, स्मार्टली डिले। तो मैं आपसे सलाह दूंगा कि काम तो आप समय पर करो, डिलीवरी डिले कर दो तो कद्र भी हो जाएगी। हालांकि जब भी आप ऐसे लोगों को अपनी डिलीवरी दो, उन्हें इस बात का एहसास कराओ कि समय की कद्र करना सीखो। मैंने केवल आपको इतना टाला केवल इसलिए क्योंकि आप समय की कद्र नहीं जानते। यदि लोग ऐसा करना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे अपने आप औरों की कद्र करना शुरू कर देंगे प्रत्यक्ष। अच्छा, गुरुदेव, नमन जन बुढ़ाना नमोस्तु निवेदित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, अगर हम नेक नियत, ईमानदारी, सच्चाई और वफादारी से कार्य कर रहे होते हैं तो सामने वाला हमें इस दृष्टि से जज कर रहा होता है कि हम उसे इसलिए कर रहे हैं कि इसमें हमारा ही कुछ मकसद है, जबकि हम निस्वार्थ भाव से उस कार्य को कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अपने काम को और ज़्यादा ईमानदारी से करना चाहिए। सामने वाला क्या सोच रहा है इसे मत देखो, हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं इसे देखो। यदि हम मजबूत और जागरूक हैं तो सब चीज़ें अपने आप ठीक होगी, और यदि हम उसकी उपेक्षा करेंगे तो अच्छी बातें भी बुरी हो जाएंगी। चलिए, अब कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आपको जोड़ूं। उसके पूर्व आज गुणातन प्रतियोगिता के समक्ष हम विराजमान हैं, जिनकी परिकल्पना कुछ ही माहों में संपूर्ण होने वाली है, अशेष होने वाली है, और कारण बन रहे आपका उदार मन, आपकी दान प्रवृत्ति, जिसके कारण हम इतना बड़ा कार्य करने में सक्षम हो पा रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों ने गुणातन से अपने को संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है, उनमें कुछ नाम पुकार रहा हूं। आप तालियां बजा करके, और जब मैं उन्हें बुलाऊं तो मंच में आकर के गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके उनका हम सम्मान करेंगे। आज सेवादन के ट्रस्टी के रूप में सम्मान करेंगे। हाँ। श्रीमान डॉक्टर मीना जी जैन, धनपति अशोक जी जैन छिंदवाड़ा, इन्होंने श्री सेवादन के ट्रस्टी के रूप में अपने आप को संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है। उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आए गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ डब्बू जी कासलीवाल। श्रीमान डब्बू जी कासलीवाल जी, विजय जी कासलीवाल नाम जाया जाता है, गया से अनन्य गुरु भक्त हैं, इनके बिना बहुत से कार्य सारे काम रुक जाया करते हैं, ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में, विजय जी कासलीवाल डब्बू जी, इनका सम्मान करने के लिए आए।
आश्रीमान डॉक्टर मीना जी, धर्मपति अशोक जी जैन छिंदवाड़ा, इन्होंने श्री सेवायतन से अपने आप को संबद्ध करके ट्रस्टी बन करके जीवन को धन्य किया। तालियां लगातार निकली, बजती रहे। स्वर्णदान देकर के श्रीमान श्वेता जैन, धर्मपति श्री पल्लव जैन कोलकाता, जिनका बेटा आज आश्वित श्रावक के संस्कार जिसने प्राप्त किए हैं गुरुदेव के करकमलों से, इन्होंने स्वर्ण दान देकर के स्वर्ण कार्य में अपनी महती भूमिका निभाई है। वे परिवार के साथ आए गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए। दादी बहन संकुन दीदी जी सागर ट्रस्टी गुणायतन में आए, इनका सम्मान आप बैठी बाद शकुन दीदी सम्मान करेंगी। स्वर्ण प्रदान करने वाले इस परिवार का कोलकाता से, जिनका बेटा आज श्रावक के संस्कार प्राप्त करके जीवन को आइए सम्मान अतालियां बजाए रहे आप लोग। और स्वर्णदान में ही अभय कुमार अंगूरी जैन भोपाल, इन्होंने भी प्रदान किया सोना। अपने स्थान में यदि उपस्थित हों तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त कर लें गुरुदेव का। और आस्तु आस्वित आज अपना प्रश्न भी करेगा पल्लव जी के साथ। परिवार दादा दादी को बुला लो, वो भी आ जाए, दादा दादी भी आ जाए और पूरा परिवार प्रश्न भी करेंगे। हाथ लगाओ बेटा, आज बहुत बड़ा काम पल्लव जी ने अपने पुत्र के लिए कराया है, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। ऐसे ही एक कार्य के लिए अपना अपना हमेशा दत्तित होते रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि 8 साल के बाद ही क्यों अभिषेक आहार और जिनवाणी पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं हम लोग 7 साल और 6 साल में पढ़ सकते हैं या कर सकते हैं? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इधर आ जा बेटा, जोरदार करतल ध्वनि से इस बेटे का स्वागत करो। ये अपने माता पिता को यह कहकर लेकर आया है कि मैं 8 साल का हो गया हूँ, मुझे अभिषेक करना है, आहार देना है और जैन होने का संस्कार करना है। आज ये बालक कोलकाता से, माँ बाप बच्चों को लेकर आते हैं लेकिन ये युग की सबसे बड़ी प्रभावना है कि बच्चे माँ बाप को लेकर के आने लगे हैं। इसने बहुत अच्छा सवाल किया है कि क्या बात है कि 8 साल से पहले अभिषेक पूजन और स्वाध्याय आदि बच्चे नहीं करते, 7 और 6 साल में क्यों नहीं करते? इसलिए कि जब 8 साल के आप होते हो ना तो आपका मन पूरा खिलता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति 8 साल के पहले नहीं होती, समझ गए? 8 साल की उम्र होने में ही 8 कर्म को काटने की योग्यता आती है। हमें 8 को काटना है ना, इसलिए 8 साल के पूर्व न तो मुनि दीक्षा होती है न सम्यक दर्शन होता है, और इसीलिए धर्म की मूलभूत क्रियाएं 8 साल से पहले नहीं की जाती। हाँ, पाठशाला में बच्चों को अभ्यास जरूर कराया जाता है, पढ़ाई भी की जाती है, लेकिन देव पूजा और पात्रदान 8 साल से पहले नहीं करते। ठीक है, जाओ। हाँ बोलो, माइक दे दो। डॉक्टर मीना जी, धर्मपत्नी अशोक जी जैन छिंदवाड़ा, वे भी आ जाए प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी के लिए सिर्फ 4 लाइन पहले, आप विश्व धर्म के सूरज हो, आप विश्व धर्म के सूरज हो, तब त्याग की अद्भुत मुहूर्त हो, तब त्याग की अद्भुत मुहूर्त हो, है धन्य धन्य महिमा आपकी, है धन्य धन्य महिमा आपकी, आप हरने वाले सूरज हो, आप हरने वाले सूरज। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि आलू में एक सुई की नोक के बराबर नोक पे करेंगे हम तो उसमें अनंत अनंत जीव होते हैं, फिर भी लोग जैन धर्म और जैन कुल में आकर आलू की त्याग करने का भाव मन में क्यों नहीं आता है? इसलिए कि उनके मन में पाप का डर कम हो गया, संवेदनशीलता घट गई, वे आलू के त्याग को एक परंपरा मान करके स्वीकारते हैं। जिस दिन आलू के त्याग को अपनी संवेदना से जुड़ेंगे, आलू क्या सब चीज छोड़ सके। हाँ, श्रीमती डॉक्टर मीना जी जैन, धर्मपत्नी अशोक जी जैन छिंदवाड़ा, अपने प्रश्न प्रस्तुत करें और आपकी तालियां पहुंचे। निर्माण जी के रूप में जो आप संबद्ध हुए हैं, श्रीमान धर्मेंद्र कुमार जी, मनु भाई दानी मुंबई से, इन तक आपकी तालियां पहुंचे। ये आज निर्माण जी के रूप में संबद्ध हुए हैं, बहुत बहुत साधु। आइए डॉक्टर मीना जी, सीखता कीजिए।
मेरा वर्षों पुराना सपना साकार हुआ जब गुणायतन में रुकने भी मिला और आपके साक्षात दर्शन करने भी मिले। तो शंका तो ऐसी कुछ नहीं है, चूँकि मैं 12 साल से आपके प्रवचन और शंका समाधान से जुड़ी हुई हूँ, तो जो भी शंकाएं होती हैं वो ऑटोमेटिक समाधान उनका हो जाता है। लेकिन महाराज जी, मैं आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहती हूँ थोड़ा सा। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं पिछले 37 साल अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रही हूँ और जून में ही सेवानिवृत्त हुई हूँ। तो इस तरह से मेरे जीवन का एक अध्याय बहुत अच्छे से पूरा हुआ, जिसमें जॉब की जिम्मेदारी और पारिवारिक जिम्मेदारी दोनों पूरी हुई। अब दूसरा अध्याय जो शुरू हुआ है, मैं चाहती हूँ वो आत्मकल्याण का हो, और उसमें मैं आत्मकल्याण के लिए जो कर रही हूँ वो आपसे बताना चाहूँगी कि 22 सालों से तो मैंने रात्रि भोजन त्याग किया हुआ है, साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद मैंने डेली पूजा और पूजा करने जाती हूँ अष्टद्रव्यों से। उसके अलावा आपने आपके प्रेरणा से नमकार मंत्र लिखना भी शुरू किया है, अष्टमी चौदस एकाशन करती हूँ और अपना सामायिक पाठ भी करती हूँ। लेकिन एक जो मेरी इच्छा थी कि मैं रिटायरमेंट के बाद जैन शास्त्रों का अध्ययन करूँ, तो उसमें एक समस्या ये आ रही है महाराज जी कि मैं पढ़ती हूँ तो पिछला भूल जाती हूँ, इस कारण से लिंक नहीं बन पाती, चूँकि 5 साल से 65 साल तक पढ़ने और पढ़ाने में ही मेरा समय गया है। तो मैं आपसे मार्गदर्शन चाहूँगी। भूल जाती है, भूल जाइए, याद करने के लिए मत पढ़िए, मन रमाने के लिए पढ़िए। बहुत बहुत आशीर्वाद अपनी नई शुरुआत के लिए। बस एक ही महाराज जी, एक संक्षेप आवश्यक प्रश्न। हाँ, संक्षेप नमोकार मंत्र के बारे में प्रश्न है महाराज जी। ये अनादि निधन मंत्र है। मंत्रों के बारे में ध्वनि शास्त्र का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, और दूसरी बात, इसके शॉर्ट फॉर्म कभी नहीं होते जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो उसके बाद भी ये इसका जो शॉर्ट फॉर्म किया गया है असिया उषा, इसके बारे में ये मंत्र का शॉर्ट फॉर्म नहीं है। असिया उषा अपने आप में मंत्र है, अभी मंत्र है। एक अक्षरी, द्वि अक्षरी, चार अक्षरी, पंच अक्षरी, ये मंत्र है। गुणातन से सारथिक रूप में जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है, श्रीमान आदिश्वर जैन, श्रीमती सुनीता जैन, समस्त परिवार दिल्ली से हमारी करतल ध्वनि उन तक पहुँचे, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत उनके पुण्य की तालियां बजा कर अभिनंदन कीजिए उनका। और उपस्थित हैं श्रीमान त्रिलोक चंद जी, श्रीमती शिला जी जैन जयपुर, वे आ जाएँ, गुरुदेव चरणों का अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान गुणायतन के CEO सुभाष जी जैन आएँ और इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को महिमा मंडित करें। और इसी क्रम में जिन्होंने आज सूत्रधार बनकर के अपने जीवन को धन्य किया है, डॉक्टर AK जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, डॉक्टर अंशुल जैन, डॉक्टर नेहा जैन, प्रासुल, अंकिता जैन, नायशा, पीसा जैन, बीना सागर से परिवारित उपस्थित हैं। कल हो गया था। हो गया? कल हो गया था। क्यों लिखा है? और सूत्रधार के रूप में जिन्होंने अपने सूत्र को जानते संबद्ध किए हैं, ऐसे स्वर्गीय गोपीचंद जी सेठी, स्वर्गीय इजरत जी देवी सेठी, श्री मुन्ना लाल सेठी, श्रीमती निर्मला सेठी, विजय कुमार, अजय कुमार, संजय सेठी जयपुर, ये उपस्थित हो आ जाएं, परिवार के साथ गुरुदेव चरणों की अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान NLN साहब एवं श्री नरेंद्र जी सेठी गया। NLN साहब को सत्य गुणायतन एवं नरेंद्र जी सेठी गया से उपस्थित हों इनका सम्मान करने के लिए। सिद्धार्थ जी का आशीर्वाद दिया जाए सम्मान करने के लिए उपस्थित हैं। तो सिद्धार्थ जी कासलीवाल प्रशासक गुणायतन, और आज जिन्होंने 1 से 8 नवंबर तक होने वाले स्थित महामंडल बिधाने के लिए 51,000 की राशि पूजन द्रव्य के लिए प्रदान की है, ऐसे श्रीमान रज्जी लाल जी चावल वाले श्रवण शिक्षक गुणायतन सागर, उनका हम करते हैं सम्मान करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनकी अनुमोदना पुण्य की अनुमोदना करते हैं। और इसी क्रम में मैं आदरणीय भैया जी बुला रहा हूँ कि बिधान की यह बात आई है, आइए आप सम्मान करिए इनका। और उपस्थित हों प्रस्तुत करने के लिए राजीव जी, श्रीमती रचना जी जैन, त्रिमूर्ति नगर जबलपुर, शिक्षा से आ जाए राजीव रचना जी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है
कि किसी व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब होता है या अंत भला सो सब भला। जैसे अंजन चोर थे तो उनने कई बुरे कर्म किए पर उनके कर्मों का हिसाब किताब हुआ कि नहीं, उनको तो अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो गई थी। अंजन स्वर्ग नहीं, मोक्ष चले गए। अंत भला सो सब भला, ये सही है, पर इस उक्ति को पकड़ करके फिर जीवन के प्रति लापरवाह मत होना। जी महाराज जी। अंजन चोर का अंत भला कब हुआ? जब उसने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। सामान्य रीति से हमारे कर्मों का पूरा लेखा जोखा होता है और हमें उसका हिसाब किताब चुकाना ही पड़ता है। जी महाराज जी। लेकिन जब व्यक्ति अपने आत्मा में केंद्रित हो जाता है तो अनंत जन्मों का कर्म एक पल में विनष्ट हो जाता है। जी समझ गया। इसलिए यदि अज्ञान पूर्वक हमने जीवन जीकर कर्म बांधा है तो ये समझना चाहिए ज्ञान मूलक जीवन से हम उसे एक पल में नष्ट कर सकते हैं और हमारी दृष्टि उसी तरफ होनी चाहिए। जी महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। अगला उपस्थित हूँ श्रीमान नरेंद्र जी सेठी गया, अनन मुनि भक्त गया से, और तैयार हैं श्रीमती पुष्पलता जी मोदी जबलपुर। आइए डब्बू जी, साथ में डब्बू जी भी आ जाएं। दोनों गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आजकल व्यक्तित्व पर नहीं अपितु ब्रांड कपड़ों पर व दिखाने पर सम्मान दिया जाता है और विवेकवान ज्ञानवान व्यक्तियों को गुणित किया जाता है, ऐसा क्यों? अरे कपड़ों पर ही सम्मान किया जाता है तो ये बताओ तुम कपड़ों वालों का सम्मान है कि हम बिना कपड़े वालों? बोलो कपड़े वाले। हाँ बिना कपड़े वाले। तुम किसी के घर में घुस सकते हो? नहीं। किसी घर में जाओ तो धक्का मार के निकालेगा कि नहीं? और हम चले जाए तो चरण धुलाएगा? हमारे साथ तुम भी जाओगे तो तुम भी सम्मान पाओ। अब बताओ प्रभाव तुम्हारे कपड़ों का है या हमारे चरित्र का? आपके चरित्र का। तो कपड़ों का प्रभाव थोड़ी देर के लिए होता है पर व्यक्तित्व का प्रभाव चरित्र का प्रभाव दीर्घकालिक होता है। हमें अपने चरित्र को निखारने की कोशिश करनी चाहिए। नमोस्तु। आइए श्रीमती पुष्पलता जी मोदी जबलपुर से, और तैयार हैं व्रति बहन शशि जी भोपाल से। बोलिए बोलिए। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। जिसे देता है हर व्यक्ति सवाल करो सीधे प्रश्न। हाँ सवाल करो। महाराज जी मेरे बेटे एक अमेरिका में, एक नीदरलैंड में और एक बेटा पुणे में सर्विस में है। हम पति पत्नी जबलपुर में रहते हैं। महाराज मेरे तीनों बेटी संस्कारी हैं, इसे इसमें मुझे गर्व है, परंतु महाराज जी तीनों बेटे बाहर सर्विस करते हैं, हमें उनकी चिंता बनी रहती है, इस मुँह को मैं कैसे कम करें? नमोस्तु महाराज। बच बेटे बाहर हो गए, तुम बाहर ले आओ। अब तीनों बेटे जब है नहीं तो घर में किसके पीछे हो? निकलो आगे, कहाँ है श्रीमान तुम्हारे? आ जाओ, क्यों चिपके हो? क्या काम है वहाँ? लग जाओ धर्म ध्यान से, वानप्रस्थी बनो, जीवन को परमार्थ के क्षेत्र में लगाओ। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जिनके सांसारिक दायित्व पूर्ण हो गए हैं वे पारमार्थिक कार्यों में अपने आप को लगा दें, नर भव की इसी में सफलता होगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। उपस्थित हूँ व्रति बहन शशि जी जो भोपाल से, तैयार हैं अनुराग जी दिल्ली से। दोनों महाराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सम्यक दृष्टि जीव क्या सप्तवैष्णी हो सकता है? सम्यक दृष्टि जीव सप्तवैष्णी नहीं हो सकता, पर सम्यक सप्तवैष्णी को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। मैं बात को दोहरा रहा हूँ, सम्यक दृष्टि जीव सप्तवैष्णी नहीं होता,
पर शब्द व्यसनी को सम्यक दर्शन हो सकता है। मतलब सप्त व्यसनों में लिप्त व्यक्ति भी यदि सही संसर्ग पा जाए, उसकी आत्मा जाग जाए, तो उसका उद्धार हो सकता है। क्योंकि सम्यक दर्शन तो नारकियों को भी होता है, पर सम्यक दर्शन होने के बाद वो व्यसनों में लिप्त हो ये हजम नहीं होता, इसलिए इससे बचना चाहिए। महाराज श्री जो पांडवों का उदाहरण आ रहा हूँ, नहीं आ रहा, ये सब चीजें अपवादिक हैं। पांडवों के उदाहरण को देख करके राजमार्ग मत बनाना। यद्यपि असंयम सम्यक दृष्टि के टाइटल में असंयम शब्द लगा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कोई सम्यक दृष्टि हो और वो व्यसन बुराई में इसी तरह लिप्त रहे, ये उचित है। नमस्ते। आइए श्रीमान अनुराग जी जैन दिल्ली से, और तैयार हैं अरहत सम्यक जैन गया से, सुपौत लता जी गंगवाल, मंत्री गुणायतन, ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर मेरा एक अजीब सा क्वेश्चन है, मुझे क्षमा करें अगर ये सही ना रहे। मेरा क्वेश्चन ये है कि मंदिर में भगवान की प्रतिमा के अलावा जो भी डिज़ाइनिंग की जाती है उसमें महंगी महंगी चीज़ें लगाई जाती हैं, तो श्रावक भगवान की प्रतिमा के अलावा बाकी सब चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेता है, सोचता है कि वाओ क्या डिज़ाइनिंग है, कि डिज़ाइनिंग कितनी अच्छी है। भगवान की प्रतिमा में 5 मिनट लगाने के बाद 2 घंटे मंदिर के चक्कर में उलझा रहता है, तो उससे जो लेशिया का बंद होता है और जो बाकी परिणाम निकलते हैं, महाराज श्री ये मंदिर किसी भी लेवल पे उस भव्य तरीके से बनाने में जो लेशिया के बंद लग रहे हैं वो कितने उचित हैं? देखो तुम्हारे ही जैसा एक सवाल मैंने गुरुदेव से पूछा था, खासकर खजुराहो के मंदिरों को केंद्रित करके। खजुराहो गए? नहीं गुरुजी, मैं कभी नहीं गए। उसके फोटोज देखना, इमेज मिल जाएगी, वो मैंने देखे। उसमें जो पैनल्स बने वो पैनल्स एकदम अलग प्रकार के पैनल्स हैं। मैंने गुरुदेव से पूछा कि जिन मंदिर में इस तरह के पैनल्स क्यों बनाए गए, तो गुरुदेव ने जो जवाब दिया मैं समझता हूँ उसमें तुम्हारा जवाब भी आ जाएगा। गुरुदेव ने कहा ये केवल इस बात को बताने के लिए कि ये राग असार है, भीतर का बीत राग ही सार है। नमस्ते गुरु। राग से विराग की ओर जाने के लिए मंदिर के बाहरी फलक में ये सब बने, भीतर तो भगवान है। इसको जो जीतता है वो भगवान बनता है। जब तक तुम इसमें रमे रहोगे, संसार में दुखी बने रहोगे, इसे जीत लोगे तभी तुम मुक्त हो पाओगे, यह एहसास हो, समझ गए? तो राग से विराग की ओर बढ़ने का वह सत प्रयास है। इसी तरह जब मंदिर में चीजें बनाई जाती है तो केवल इसलिए बनाई जाती है कि लोग किसी निमित्त से भगवान के साथ अपना जुड़ाव बनाए रखे। अंततः मन तो भगवान में ही टिकता है। लेकिन गुरुवर जो गार्डन झूले अनंत जीवों की हत्या आ रहा हूं, बड़ी बात, समोसरण की संरचना को देखोगे तो उसमें तो इतना ज्यादा है कि तुम हैरान हो जाओगे। क्यों? जब तक हम प्रकृति के साथ नहीं जुड़ते, झूले वगैरह की बात नहीं कर सकता, पर उपवन उद्यान मंदिर में होता है, समोसरण में तो उद्यान, लता भूमि, कल्प भूमि, उपवन भूमि जैसी एक एक भूमियाँ ही, खातका भूमि है जिसमें पूरी खाई है, तो ये चीज़ें हैं जो वहाँ एक प्राकृतिक रमणीयता को दर्शाती है। अज्ञानी जी उसी में रमे रहते हैं, और जो ज्ञानी होता है उन सबको पार करके सीधे भगवान के चरणों में जाते हैं, समझ गए? वो शोभा के लिए, एक आकर्षण के लिए तुम्हारा सवाल ठीक है, इसमें यथासंभव विवेक भी रखना चाहिए, पर मंदिर मंदिर ऐसा जिससे घुसते ही एक प्रकार की सकारात्मकता का एहसास है। हरियाली सकारात्मकता को विकसित करती, पेड़ पौधे उद्यान इसके लिए बहुत सहायक बनते हैं, उससे मन रम जाता है।
लेकिन इसमें लेशा का पाप लगता है। लेशा क्या है? लेशा तो आपके भावों के अनुरूप है। अगर आप उनके रख रखाव में यथकिंचित काम करते हैं, अब घास है तो उसकी कटाई तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो तो पूरा झाड़ जंगल बन जाएगा। तो ये वहाँ के प्रबंधकों के ऊपर है। मंदिर के परिसर में तो आपको बुहारी भी लगानी पड़ती, लगाते कि नहीं लगाते। तो ये यथासंभव विवेक से काम करना चाहिए और लोगों का मन अच्छे से रमे और विशिष्ट पुण्य बंध करे, ये उद्यम करना चाहिए। उपस्थित हूँ अर्हत एवं रम्यक जैन जो सुपोत्र हैं नेताजी गंगवाल के, जो मंत्री हैं गुणातन के, ट्रस्टी हैं गुणातन गया से, तैयार हैं श्रीमती गिरनार जी, धर्मपत्नी डॉक्टर बिमल जी जैन, जेवी जबलपुर। नमोस्तु महाराज श्री। माँ पिता के आंगन में सभी प्यार से पलते हैं, पर बड़े होने पर पूछा जाता, क्या माँ बाप तुम्हारे साथ में रहते हैं? मूर्खतापूर्ण इस प्रश्न का क्या सटीक समाधान है? क्या माँ बाप की सेवा हमारा उन पर एहसान है? क्या कभी चुका पाएंगे ऋण जिन्होंने दिया जीवन दान है? महाराज श्री, मेरे कहने का मतलब है कि माता पिता के प्रति हमें कैसा कर्तृत्व करना चाहिए कि जिससे उनको परवरिश पर गौरव महसूस हो सके। जो लोग बोलते हैं कि माता पिता तुम्हारे साथ रहते हैं, उन्हें अत्यंत विनम्रता से कहो, मेरा सौभाग्य है मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ। क्या बोलना है? मेरा सौभाग्य है मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ। माता पिता का ऋण कभी चुका नहीं सकते। नीति कहती है इस धरती के समस्त रजकन और समुद्र के सारे जलकन को भी इकट्ठा कर लिया जाए तो माता पिता के ऋण को चुका पाना असंभव है। समझ गया? तो जब ऋण चुकाने की बात है तो फिर चार तरीके से माँ बाप के ऋण को कुछ अंशों में चुकाया जा सकता है। सबसे पहली बात, अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें देकर। जीवन में जो भी उपलब्धि हो ये आपकी कृपा से हुई है, ये आपके बदौलत हुई, नंबर वन। ठीक है, मेरे कारण नहीं, ये आपके कारण। दूसरी बात, अपनी सेवा से माता पिता को प्रसन्न रखकर। तीसरी बात, अपने आचरण और व्यवहार से उनके गौरव को बढ़ाकर। और चौथी बात, उनके आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनकर कुछ अंशों में माँ बाप के ऋण को चुकाया जा सकता। नमोस्तु। ये पूछेगा, हाँ पूछो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जो दिवाली में जो क्लीन होता है, घर क्लीन होता है, कॉलोनी क्लीन होता है और दुकानें क्लीन होती हैं, तो महाराज श्री हमारे अंदर जो ईगो है, गुस्सा है, हम जो गलत काम करते हैं, और महाराज श्री जो हमारे अंदर वो एंगर है, वो गर्म पानी से तो नहीं निकल सकता है? क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि गर्म पानी से ये ठीक हो सकता है, वो ठीक हो सकता है, पर महाराज श्री हमारे अंदर जो एक गुस्सा कचरे की तरह भर गया है वो तो गर्म पानी से नहीं निकल सकता है महाराज श्री। तो महाराज श्री हम ऐसा क्या करें कि जिससे जो हमारे अंदर जो ईगो है, एंगर है, कचरे की तरह है, वो हट जाए और हम दिवाली खुशी से और अच्छे से मनाएं। बहुत बहुत अच्छा भाव प्रकट किया। क्लीनिंग तो होनी ही चाहिए। केवल बाहर बाहर क्लीन करोगे तो बाहर दिवाली होगी, भीतर दिवाला होगा। और आज यही हो रहा है, बाहर सबकी दिवाली है और भीतर सबका दिवाला है। तो हम अपने दिवाली को दिवाली में बदलना चाहते हैं। इनर क्लीनिंग करें। क्या करें? बाहर की गंदगी को गर्म पानी से साफ कर सकते हो, भीतर की गंदगी के लिए वो नहीं, उसके लिए प्रतिक्रमण करना। क्या करना होगा? प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण करने का मतलब सबसे पहले अपने दोषों को स्वीकारना,
मेरे अंदर अगर एंगर है, मेरे अंदर ईगो है, मेरे अंदर और कोई बुराई है, तो मुझे पहले इसे स्वीकारना है और फिर अपने मन को तैयार करना है कि मुझे इसे साफ करना है। और साफ करने के लिए क्षमा मांगने और क्षमा करने की आदत आए। यदि मनुष्य अपनी गलतियों का एहसास करते ही क्षमा मांगने का अभ्यास बढ़ा ले और अपना हृदय बढ़ा करके सामने वाले की बड़ी सी बड़ी गलती को क्षमा करने की सामर्थ्य जुटा ले, तो ये दोनों काम अच्छे से हो सकते। नमोस्तु महाराष्ट्र। आइए श्रीमती गिरनार जी, धर्मपत्नी डॉक्टर विमल जी जैन जबलपुर, और तैयार हैं श्रीमती विनीता जी, धर्मपत्नी वीरचंद जी जैन अग्रवाल बनारस। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। आज सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पूरे देश में 2,80,00,000 मामले प्रकरण लंबित हैं, यदि इनका आज की प्रक्रिया के हिसाब से न्याय दिलाया जाए तो 400 वर्ष लगेंगे और अनेक पीढ़ियां गुजर जाएंगी। महाराज जी, मेरा ये निवेदन ये है कि आपका आदेश और निर्देश पूरी समाज मानती है। उन्होंने ये कहना है कि हर समाज के प्रकरण समाज में ही सुलझाए जाएँ, तो ये लंबित प्रक्रिया बंद हो जाएगी और अहम और वहम को त्याग कर अगर आप अच्छे भाव से सामने समाज के सामने एक न्याय प्रकोष्ठ हो, एक मध्यस्थता केंद्र होता है हर कहीं, उस पर अगर ये प्रकरण लाया जाए तो बहुत से मामले हल हो सकते हैं। महाराज जी, समय आपका आदेश और निर्देश अपेक्षित। देखिए, अब तो कोर्ट भी चाहती कि मीडिएशन के माध्यम से सब कुछ ठीक हो जाए, मध्यस्थता हो तो उससे सारा कार्य हो सकता है जी, और मध्यस्थता का भाव तो हमें बनाना ही चाहिए। मैं तो कहूँगा कि पहले तो हम ऐसी स्थिति बनाएं कि झगड़े ही ना हो पाए, और अगर झगड़े हो जाए तो जितनी जल्दी बन सके हम सुलह का प्रयास करें जी महाराज, मध्यस्थता को बनाएं। यदि हम मध्यस्थता अगर खुद क्षमा करने और क्षमा मांगने में समर्थ हो जाए तो ऐसी ज़रूरत ही नहीं है, पर कदाचित किसी निमित्त को लेकर ऐसी बातें होती है तो हम क्षमा मांगने में रंचमात संकोच न करें जी महाराज। बस एक ही महाराज जी, और लोगों महाराज जी, एक ही महाराज जी, छोटा सा प्रश्न है। काला धागा टीका, महाराज जी ये प्रचलन हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, जैसे भगवान को हम टीका प्रतिष्ठा होने के पहले काला धागा पहना देते हैं, बच्चों को काला धागा पहना देते हैं। महाराज जी, ये कहाँ तक अच्छा है या बुरा है? ओ, इसका देखो इसमें बुरा क्या है, काला धागा पहन लिए तो क्या हो गया? काला धागा पहना ये टोटका है, इसमें कोई सम्यक की हानि नहीं है, इसे अपना लेना चाहिए। इससे कहते नज़र नहीं लगती, क्योंकि सबसे पहले उस पर नज़र चली जाती तो आपकी दृष्टि बदल जाती है, बाकी इसमें दिमाग मत लगा। नमोस्तु महाराज। काला धागा पहनो न पहनो तुम जानो, पर काला काम जरूर मत करो। चलो ब्रह्मचारी भैया भैया जी लखनऊ से अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हों। आप हाँ, आप रुकिए, आप लोग हाँ, ओम नमः। रुकिए डॉक्टर, रुकिए। शंकाओं के समुद्र में बह रही असंख्य भव्य जीवों को जिन्होंने समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। मुनिवर श्री अरहंत सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। महाराज श्री, आपके ही आशीर्वाद से कुछ समय पूर्व सात समुद्र पार गया था, आपके आशीर्वाद से महती धर्म प्रभावना हुई, लोगों ने बड़ा अच्छा भाव बनाया, लंदन के सभी आचार्य विद्यासागर दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी साथियों की ओर से आपको बहुत 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 नमोस्तु निवेदित करते हैं महाराज श्री। वहीं बैंकॉक में एक जैन मंदिर जो अभी बना हुआ है पर उसका विस्तारीकरण हो रहा है, आपके आशीर्वाद से वो भूमि भी मिल चुकी है, निकुंज जी आदि सभी लोग आपसे उसके लिए मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाह रहे हैं। वहीं सिंगापुर के विनोद जी, अर्चना जी और विवेक जी आपसे आशीर्वाद चाह रहे हैं कि महाराज जी भूमि का चयन चल रहा है, अभी तो 11वें फ्लोर में मंदिर बनाया है, ऐसा आशीर्वाद मिले कि धरती भी हमारी हो और आकाश भी हमारा हो, ऐसा आशीर्वाद आपसे चाह रहे हैं। महाराज जी, एक बहुत अच्छी बात ये लगी, ना कि सिर्फ मंदिर बनाने का हम लोग वहां पर संकल्प करें, अपितु अभी कुछ दिन पूर्व जो कि भामाशाह माने जाते हैं दान के क्षेत्र में, आचार्य महाराज के संग में आप देखेंगे उनका नाम बड़े अच्छे से आता है, राजा भैया सूरत वाले,
उनके बेटे और बिटिया दोनों अभी लंदन पहुंच चुके हैं, जो कि 2 वर्ष तक वहां पर रहेंगे। राजा भैया का फोन मेरे पास आया कि भैया हमारे बेटा बिटिया वहां पर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि उनको होटल में भोजन ना करना पड़े, घर में ही जैन भोजन, और कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी भाई मिल जाए जो जैन भोजन बनाकर शुद्ध शाकाहारी खिला सके। ये व्यवस्था वहां पर हो तो गई, पर हम लोग वहां ऐसी कोई व्यवस्था करें कि यहां से बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचते हैं, उन लोगों को हम ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से दे सकें, ऐसा आशीर्वाद हम आपसे चाह रहे हैं। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। अंतर्राष्ट्रीय समाचार आपने सुन लिया, ये अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मचारी जी अभी अभी बैंकॉक, सिंगापुर और लंदन, लंदन लगातार ये 3रा वर्ष है इनका, 4था वर्ष पर्यूषण पर्व संपन्न कर रहे हैं, और बड़ी प्रसन्नता है कि वहाँ समाज अब इतनी समर्थ हो गई है कि भव्य जिन मंदिर बनाने का उपक्रम कर रही है। मेरा उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है, यूरोप में, अमेरिका में, और अब इधर सिंगापुर, मलेशिया और हांगकांग जैसी, बैंकॉक जैसी जगह में जिन मंदिर का होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छे शुभ संकेत है, जहाँ मंदिर आता है वहाँ धर्म अपने आप प्रतिष्ठित हो जाता है। आपने जो भाव व्यक्त किया है वो शीघ्र साकार हो, मेरा यही आशीर्वाद। पर एक चीज़ जरूर है महाराज श्री, आप सबसे भी कहना चाहूँगा कि आम की लकड़िया चंदन से कम नहीं, और अपना भारत लंदन से कम नहीं, क्योंकि लोगों ने कहा लंदन जाओ, वहाँ का लंदन आई देख करके आओ, बड़ा भारी झूला है। मैंने कहा तुमने वो क्या झूला देखा रे, अगर झूला देखना है तो भारत में आओ, जहाँ छठवीं और सातवीं गुण स्थान में सदैव साधु झूलते रहते, ये झूला है। लोगों ने कहा कि वहाँ का लंदन ब्रिज देखो जो खुल जाता है, नाव निकल जाती पार, अरे वो क्या ब्रिज होगा, भारत का ब्रिज देखो, वहां तो नाव पार कराती है, ये वो वैसा ब्रिज है जो संसार समुद्र पार कराने वाला है, वहां की पार्लियामेंट देख करके आए लोग कहते हैं बहुत बड़ी। तो बंधुओं वो पार्लियामेंट क्या पार्लियामेंट होगी, यहाँ आकर के विद्यासागर की पार्लियामेंट देखो, जहाँ के अनेक शिष्य जिनकी आज्ञा पर एक कदम ना आगे रखती है ना पीछे रखती है। जरूर अगर कभी आप लंदन आओ तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वहाँ के जिनालय के दर्शन आप लोग जरूर करना। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। आज तथा विराजमान है श्रीमान सुशील जी मोदी साहब, मोदी नगर से साधारण आमंत्रित कर रहा हूँ, आए गुरुदेव चरणों का अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ कोषाध्यक्ष श्रीमान एन रंजन साहब। आइए मोदी जी, सुशील जी मोदी साहब। हाँ, एक ऐसा व्यक्तित्व जो समाज के सेवा के क्षेत्र में निरंतर अपने को आपको गतिशील बनाए रखते हैं, सक्रिय बनाए रखते हैं, इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान एन रंजन साहब गुणाधन के कोषाध्यक्ष सम्मान करेंगे, और मोदी जी अपना प्रश्न भी करेंगे और तैयार रहेंगे, श्रीमान एन रंजन साहब भी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। सम्मान दोनों ही सम्मान स्वीकार करने वाले सम्मानकर्ता दोनों प्रश्न करेंगे अपने अपने। बोलिए बोलिए। परम श्रद्धे गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान। हे भगवान, मेरी एक व्यक्तिगत समस्या है, या शायद समाज के बहुत से लोगों को ऐसी समस्या है कि जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं और बहुत पुराने मरीज हो चुके हैं, जैसे मैं आज 42 साल हो गए शुगर, 40 साल से मैं दोनों समय इंजेक्शन लगाता हूँ। शिखर जी पहाड़ की वंदना करना चाहता हूँ, 6-7 साल पहले तक तो ठीक था, अब डर लगने लगा कि पहाड़ पे जा रहा हूँ सवेरे 4 बजे, क्या हो कि अगर शंकाएं पहाड़ पे जाके दिक्कत पड़े या भूख की दिक्कत पड़े। पहले तो निर्जल आके करके आते थे, वंदना और आ जाते थे। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार करतल ध्वनि से मोदी जी का, सुशील जी का स्वागत कर दूँ। ये हमारे समाज के एक अच्छे स्तंभ हैं, इनकी समाज को बहुत बड़ी सेवाएं उपलब्ध हुई आज यहाँ आए। आपने अपनी जो दुविधा अभी प्रकट की, निश्चित ये दुविधा बहुत जनों की है। पर्वत पर मलमूत्रों का विसर्जन कतई उचित नहीं है, लेकिन इस तरह के रोगों से ग्रसित लोगों को बार बार जाना पड़ता है, दुविधाएँ तो होती है, मन भी कचोटता होगा। तो इससे पहले कि मैं आपकी समस्या का समाधान दूं, आम लोगों से कहूंगा, जब तक बीमारियां घर करे उससे पहले शिखर जी की वंदना करना शुरू कर दो,
और हर साल अगर एक दो बार वंदना करते रहोगे तो बीमारियां पास नहीं फटक पाएंगे, ये अभ्यास हो। अब जिनके साथ ऐसा हो गया वो क्या करे, तो पहले तो ऐसे लोगों को पैदल वंदना के पूर्व सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं भी घटने लगी हैं। अपनी शारीरिक अवस्था को देखते ही वही सारा काम करना चाहिए, नहीं तो डोली आदि के साधन से वंदना करना चाहिए। और उसके बाद जो हो तो हमारे कोशिश करना चाहिए गंधर्व नाला तक निपट लें, और अगर ऊपर जाना ही पड़े तो ऐसा करें जहाँ लोग जाते रहे हैं, जैसे जल मंदिर में जो स्थान बने हैं वहीं जाएं, कम से कम जाएं, ये प्रयास करें। अन्यथा ये दुविधा तो बहुत बड़ी है। मैं मानता हूँ, मैं कहूँगा कि वंदना मत करो तो भी आप लोगों को मायूसी होगी, और मैं कहूँगा इसे नज़रअंदाज कर दो तो मेरा मन इसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए अपने विवेक बुद्धि से काम करो, जितना कम से काम चल सके चलाने की कोशिश करो। नमोस्तु भगवान। आए श्री मनोरंजन साहब, और आज सुरेंद्र कुमार जी, सुनीता जी, राहुल जी, स्वाति पासुक जैन परिवार बेगमगंज, इन्होंने चांदी का लगभग 175 ग्राम चांदी गुणाधन के चांदी के वर्क के लिए प्रदान किए। बहुत बहुत साधुवाद। अपने स्थान में खड़े होकर के नमोस्तु करके आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्रीमान सुरेंद्र कुमार सुनीता, अपने स्थान में खड़े हो जाएं और नमोस्तु अर्पित कर लें। सुरेंद्र जी, सुनीता जी, प्रश्न कीजिए। दोनों गुरु बैठी वहीं बैठी, बस सादर नमन वंदन। महाराज श्री, ये कटु सत्य है कि व्यक्ति ने अपने आप को नज़रबंद कर रखा है। ये कटु सत्य है कि व्यक्ति ने अपने आप को नज़र बंद कर रखा है। आत्मा पर कई सारी बंदिशें लगा रखी हैं। आज व्यक्ति सच बोलना चाहता है लेकिन झूठ का साथ नहीं देता। तुम्हारा जी, ये जो द्वंद्व है आदमियों के बीच में, सच और झूठ के बीच में, इसका परेशानी का कारण है, तो ये परेशानी को कैसे कम करे? देखिए, मन का द्वंद्व दूर करने का बड़ा सरल सा उपाय, व्यक्ति जीवन की वास्तविकता को हमेशा अपने सामने रखकर चले, सारा द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वह हर पल सच से दूर भागने की कोशिश करता है, सच को स्वीकारता नहीं। पर सच है जो कभी मनुष्य का हाथ नहीं छोड़ता। अब सच से दूर भागोगे तो तुम्हें कृत्रिमता का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। सच को स्वीकार कर लोगे तो द्वंद्व अपने आप मिट जाएगा। तो हमारी सत्य के प्रति निष्ठा हो, सच की स्वीकारिता बढ़े, दुविधाएं समाप्त हो। नमोस्तु महाराज श्री। विवेकगंज से प्रश्न है आपका? प्रश्न नहीं, हाँ, उपस्थित हूँ। श्रीमती सुनीता जी, धर्मपत्नी डॉक्टर बी के डी जैन ग्वालियर। प्रश्न का, बीरचंद जी, धर्मपत्नी विनीता जी, वे भी तैयार रहेंगे। प्रश्न है आपका? सवाल, प्रश्न जल्दी बोलिए, बोलो, माइक दो, बोलिए। नमोस्तु मुनीष जी, मेरी जिज्ञासा है कि द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों में क्या अंतर है? द्रव्य मोक्ष, द्रव्य गुण पर्याय, इन तीनों में कहाँ सही? हाँ, पुस्तकें पढ़ो, मालूम पड़ जाएगा। आप द्रव्य हो और हमारे अंदर का जो, देखो उदाहरण दो, जैसे हमारे हाथ में एक आम है ना, आम, आम एक द्रव्य है, उसका रंग है ना, वो उसका गुण है, उसका स्वाद उसका गुण है, समझ गए, और उसका स्पर्श उसका गुण है, उसकी गंध उसका गुण है, और उसका खट्टापन, मीठापन, कच्चापन, पक्कापन उसकी पर्याय। चलिए, नमोस्तु मुनि। श्रीमती सुनीता जी, धर्मपति डॉक्टर बी के डी जैन ग्वालियर, और तैयार हैं श्रीमती विनीता जी, डॉक्टर वीरचंद जी जैन अग्रवाल, बनारस ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, संसार में सभी जीव कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता, पर अपने कर्म उदय से कभी कभी अपने परिवार में कुछ ऐसी अप्रिय घटना घट जाती, ऐसा ही नहीं होती है, पर
अपन कैसे उससे बाहर उभरें, और लोग ऐसे में लोग तो आप सार्वजनिक स्थल पर जाओ कहीं तो आपसे ही पूछेंगे, सबको सब कुछ पता है पर वो आपसे ही पूछेंगे, तो महाराज जी ऐसे में क्या करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए उन जगह पे? कुछ नहीं जाना चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए और ये सोचना चाहिए मेरे जीवन का ये दुख है ना, ये दुख नहीं है, मेरी तपस्या का निमित्त बन करके आया है, मुझे इसे सहन करना और यही मेरी तपस्या है, क्योंकि मेरा कर्म तो इसी में कटेगा, मुझे कर्म को काटना है, कर्म को भोगना नहीं है। मैं लोगों से भागकर कहाँ जाऊँगा, लोग पूछ रहे बता दीजिए, हाँ ठीक है ऐसा है पर मैं उससे अविचलित हूँ, होता है कर्मोदय, मैं क्या करूँ, तीर्थंकरों को कर्म ने नहीं छोड़ा तो मैं किस खेत की मूली हूँ। मजबूती के साथ जो सामने हो उसका सामना करो, जीवन का पथ उसी में प्रशस्त है। श्रीमती विनीता जी, डॉक्टर वीरचंद जी जैन अग्रवाल बनारस ट्रस्ट गुणायतन, तैयार हैं व्रती बहन शकुन दीदी सागर। गए गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, यदि कोई जीव किसी जीव को देव सास गुरु पर दृढ़ सिद्धान हो परंतु वह ज्ञानी ज़्यादा न हो, अल्प ज्ञानी हो, तो क्या उसमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति की सामर्थ्य हो सकती है? उसको जल्दी कल्याण होगा, ज्ञानियों का गड़बड़ होता है, समझ गए? जो अज्ञानी होते वो सरल होते, ज्ञानी होते वो अभिमानी हो जाए, वो तिकड़म लगाता, अपना बुद्धि ज़्यादा चलाता है, समझ गए? हम देखते हैं शिवभूति महाराज जैसे महाराज को मोक्ष मिला, उनको ये भी पता नहीं था कि तुस और मास अलग अलग होता है, लेकिन वो उसको समझ लिए और अपने जीवन को धन्य कर लिए। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओ चालू।